हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार्ज के बारे में। यस, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या और इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइज डे बाय डे क्यों होता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार्ज होता क्या है, चार्ज के टाइप्स क्या हैं और फिर चार्ज के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आइए देखते हैं चार्ज है क्या। तो जितने भी सारे मैटर हैं, जब हम बात करेंगे मैटर, तो जिस तरह से मैटर में मास होता है, इन द सेम वे मैटर में चार्ज भी होगा। यदि मैटर बोले हैं तो उसमें मास होगा, तो मैटर बोलेंगे तो उसमें चार्ज भी होगा। तो चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गया, किसका? मैटर का। किसका हो गया? मैटर का। दैट मीन्स इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब चार्ज के टाइप्स। अच्छा, एक और चीज, जो चार्ज है इसका यूनिट होता है कूलम। यस, कूलम यूनिट ऑफ, तो यूनिट दैट मीन्स एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? कूलम। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कैपिटल लेटर में लिखे ताकि आपको समझ में आ जाए। चार्ज का यूनिट क्या हो गया? कूलम। अब देखिए टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो है वो दो तरह का होगा, एक होगा पॉजिटिव चार्ज और एक होगा नेगेटिव चार्ज। तो अब हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, दैट मीन्स किसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। द चार्ज पॉजेस्ड बाय प्रोटोन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। प्रोटोन के पास जो चार्ज होगा उसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और किसी भी प्रोटॉन में जो चार्ज होगा उसका वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10^19 कूलम, क्योंकि प्रोटॉन है सो ये प्लस होगा। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज द चार्ज पॉजेस्ड by electron is called negative charge। That means electron के पास जो भी charge होगा उसको हम लोग कहेंगे negative charge।
वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। सो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट कहने का मतलब कि हम लोग जब भी बात करेंगे तो SI यूनिट का ही बात करते हैं। तो ये देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है। चार्ज की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होंगे, तो क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फर्स्ट पॉइंट। तो अभी हम लोग देखें क्या कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो लाइक चार्जेस repel from each other। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि यदि दो प्लस चार्ज या फिर दो माइनस चार्ज होंगे तो वो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। इसको कहते हैं रिपेल, नो अट्रैक्शन, दोनों दूर जाएंगे, सामने आने का कोशिश नहीं करेंगे। कब? जब होगा दो लाइक चार्जेस, जैसे कि दोनों प्लस हो गया या फिर दोनों माइनस हो गया। सेकंड, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई एक प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है तो ये दोनों में अट्रैक्ट होगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा। क्या बताएं? यदि लाइक चार्जेस होगा रिपेल होगा, अनलाइक चार्जेस होगा तो अट्रैक्शन होगा। थर्ड, चार्जेस आर कंजर्व। क्या मतलब हुआ चार्जेस आर कंजर्व? तो जब भी हम लोग बात करते हैं कि चार्जेस या कोई भी चीज़ जो कंजर्व है, मीन्स उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं। तो चार्ज को भी ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कर सकते हैं, मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड चार्जेस आर कंजर्व्ड। फोर्थ पॉइंट है, चार्जेस आर एडिटिव। क्या मतलब हुआ एडिटिव? यस, चार्जेस को ऐड भी कर सकते हैं, चार्जेस को ऐड भी कर सकते हैं। तो ये कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देखें ऑफ चार्ज, साथ ही साथ इसमें हम लोग देखें कि चार्ज के टाइप्स क्या हैं और एक्चुअल में चार्ज है क्या।